بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا। इस आयत से पहले जो आयत गुजरी उससे ख़ास तौर पर, बल्कि उससे जुड़ी ऊपर वाली आयतों से भी, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में पैदा फरमाकर दुनिया को नेमतों से भर दिया, इंसान को नेमतें अता फरमाई। इन्हीं नेमतों में, अल्लाह के फजल व करम में रहते हुए बस वो तरीक़े के साथ रहना है, दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी से इस तरह जुड़ना है जिसकी इजाज़त अल्लाह ताला ने दे रखी है, किसी चीज़ से मना नहीं फरमाया, तरीक़ा ढंग सलीका सिखाया। इसके ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले जितने भी इंसान गुज़रे हैं उनकी तादाद गिनती अल्लाह ताला खूब बेहतर जानते हैं। सिर्फ ये जिक्र कर दिया, देखो पैगंबर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, उनके कौम को मिलाकर उसके बाद इस उम्मत के अफराद से ख़िताब करते हुए तुमको ये कलाम पाक देने तक अल्लाह के मुक़दस किताबों की हकीकत तुम्हें बताते हैं। क़ानून खुदाबंदी है क्या? लेकिन इस ज़िंदगी के मफ़हूम को समझाने, हकायक पेश करने के बावजूद भी दुनियादारी दुनिया से लिपट कर रहा, सारे माशरे में ख़राबी बिगाड़ पैदा किया, इंसानियत के उसूल से हट गया, मोहलत और मुद्दत देने के बाद उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। ये दुनिया की हद तक रुसवाई थी, आखिरत में उन्हें अजाब होगा। तो अब आज की सायद से उसूल और कायदे बताते हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली मरतबा जिक्र कर रहे हैं, दूसरे अंदाज से पहले गुजर चुका। ये सूरह बनी इसराइल है, सूरह सुभान अल्लज़ी असरा है। इसकी हर आयत हर तफसील सिर्फ और सिर्फ पहली आयत वाक़े मेराज और इसरा से मुतल्लक़ वज़ाहत के साथ जिक्र करने के बाद बिलवास्ता इन सारे मराहल से जो इंसान गुजरेगा, यहाँ बताने पर गैब वाली चीज़ों पर यकीन न रख कर गफलत और लापरवाही करता रहा या इनकार करता रहा या इसको हकीकत नहीं जानता रहा, इन बताए तरीक़ों से हट कर ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहा, जबकि हर चीज़ का अदल बदल कैसे किस तरीक़े से देते हैं उसका मुशाहिदा मेराज वाली चीज़ में जिक्र करवा दिया गया। अब ये दो चीज़ें इस उम्मत के सामने पेश कर दी गई, मतलब ये सारे अहकाम इस वक्त इस दुनिया के हर हर फर्द के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अल्लाह का कलाम हर एक के लिए है। जहाँ इबादतें आती हैं वो मुसलमानों के लिए डायरेक्ट, मगर इनडायरेक्ट वहाँ भी वो मुराद है। जब वो पहलू आएगा तो उसकी वजाहत होंगी। तो आज की आयत में है, मन कान युरीद वा इंसानों, तुम इंसानों में से जो कोई भी कोई इस्तेसना नहीं, कोई
फर्क नहीं। आजिला का इरादा रखता है, तलब करता है, मांगता है, ख्वाहिश रखता है, इसी ख्वाहिश में और ये मांगने के लिए जिंदगी सर्व करते चलता है, तमाम जद्दोजहद ताकत लगा देता है। उर्दू में भी ये लफ्ज आया है, तलफ़ बदल कर उजलत से आजिला, मन का न युरीदुल आजिला, दुनिया और दुनिया की हर चीज़ को, चाहे इंसानों के पास कितनी भी कदर व कीमत वाली होती क्यों नहीं, चाहे इख्तदार तक चले जाओ, बल्कि इख्तदार वालों के ऊपर इख्तदार के ऊपर चले जाओ, तो दुनिया को चूँकि उसके हकीकत के लिहाज से मुख्तलिफ नाम हैं, हर पहलू से वजाहत है। तो मन कान युरीद आजिलता, जो दुनिया को इसकी हर चीज़ जल्दबाजी करता है और जल्द ख़त्म होती है, चाहो तो जल्द मिलती भी है, लेकिन उसूल क्या है, देने वाला अल्लाह ताला। कम करने वाला अल्लाह ताला, ज़्यादा करने वाला अल्लाह ताला, मांगने के बावजूद भी न देने वाला भी अल्लाह ताला, तुमने जितना चाहा उतना नहीं, उससे कम करने वाला, जितना चाह ज्यों का तो, जितना चाह उससे कई गुना इजाफा दे दिया। तो जो इन चीज़ों को चाहता है, तलब में रहता है, तड़प में रहता है, बताओ कौन नहीं है। नौयत अलग अलग, नौयत यहाँ तक भी है जाहिदाना शक्ल सूरत बनाकर भी, मगर हम किसी को पकड़ के कह नहीं सकते ये ढोंगी बाबा है, ढोंगी मुर्शिद है, ढोंगी मौलाना है, हाथ पकड़ के नहीं कर सकते, नाम नहीं बता सकते, हम तायुन नहीं कर सकते। खुलूब की कैफियत अल्लाह ताला जानने वाला, लेकिन यह हकीकत है, लेकिन यह हकीकत है, दीन के लिबास में, दीन के लिबादे में, दीनी शक्ल में अल्लाह के नाम पर उसके पीछे दुनियादारी, उसके पीछे दुनियादारी, ये भी है। इस जैसे मफाहिम की वजाहत से अहादीस तफसील के साथ है, लेकिन तालिब हक भी है, कम ज्यादा का फर्क, उसकी दलील यह है, ये दुनिया का वजूद वो दलील है। भले गिनती के चंद होते क्यों नहीं, अल्लाह ताला का वादा है उनके खातिर बाकी रखता हूँ, लेकिन पूरी तरह ये नहीं, क्योंकि खराबी वाला अमल ज्यादा है। तो अब बंदे की तलब है तो अल्लाह फरमाते हैं अज्जलना लहू फीहा, तलब किया, ज्यादा देर नहीं करते, हम भी दे देते हैं वो चीज, बस का देर का ताल्लुक हमारा मंशा हो तो देते हैं। जो चाहते हैं देना और जिसको चाहते हैं देना, मानशाउ लिमन उरीद, जो चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं देना, देना और जिस शख्स को देना चाहते हैं, हम दिए बगैर मिलता नहीं, ना दुनिया मिलती ना आखिरत मिलती, लेकिन इंसान की ज़िंदगी को इंसान की तलब इरादे के साथ जोड़कर रखे हैं, उसी का उसी तलब इरादे से, अब वो इरादा फिक्र के साथ, अकीदे के साथ, अखल के साथ, समझ बूझ के साथ, सारी मखलूक़ात में इंसान की ज़िंदगी खिलकत जिसकी गर्ज़ व गायत एक अजीब है,
और सारी कायनात के लिए मामला अलग है, आपके लिए अलग है, क्योंकि हिसाब किताब आपसे, दूसरों के लिए नहीं। इसमें अजिन्ना शरीक हैं, आपके लिए कहते हैं अजिन्ना आ गए, माँ बाकी नहीं। सारी मखलूकात वो एक गरज के लिए है, वो मुकल्लफ पाबंद नहीं है, उनमें अख़ुव्वत ताकत अल्लाह ने पैदा किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इताअत ही इताअत, एक ही आदत एक ही कैफियत के ऊपर मखलूक के हर चीज को। ये इंसान का इरादे के साथ शख्स आया, मांगा, आपने दे दिया, एक बार दिया, दो बार बाद तीन दिया, चौथी बार तो याद आया आज मुझे तो ज़कात देने का था ना, इतने दिया ना, अब हिसाब कर लेता हूँ, ठीक है इतने पैसे निकाल देता हूँ, पहले दे दिया था ना, नहीं हुई ज़कात। उन चीज़ों को इसमें शुमार कर लो, कर लिया जाए, ऐसा नहीं, इरादे के बाद जो अमल होगा, अमल के वक्त पर इरादा होना, उसी का नाम नियत है। इसलिए कैद कुल्लिया बता दिया दीन ने, इस्लाम ने, इस हकीकत को समझ लिया जाए, शायद इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 16 लाख हदीसों के हाफिज, ये बुखारी शरीफ में 2829 भी गिनती नहीं है, वही हदीस उस हदीस में इस हुक्म के तहत यहाँ जिक्र आएगा, उसके अंदर मौजूद दूसरे हुक्म के तहत फिर दोबारा जिक्र आएगा, फिर उस हदीस में मौजूद तीसरे हुक्म के मुताल्लिक तीसरी जगह जिक्र होगा, इस तरह 6000 से ज़ायद नंबरिंग आपको मिलेंगी, लेकिन उसको सब करके अलग करके जमा कर लो तो 2800 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं, जबकि आपके पास हकीकत है 16 लाख अहादीस आपके पास महफूज हाफिज़े में, आपके पास महफूज हाफिज़े में। फिर उनमें से मकसद के तहत अलग करते हैं, 5 लाख अलग करें, फिर उसमें से 1 लाख करें, वो 1 लाख में से 2800 का जिक्र किया, बख्या उनके दीगर कुतुब वगैरह। अलगरस इंसान को अमली ज़िंदगी में जो ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है उसके लिहाज से, उस तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ का ये है। यहाँ पर बयान करने की जो चीज़ है, सब अहादीस की किताबों में है, लेकिन आपने सबसे पहले इसको रख कर फिर अहादीस को लिख कर आपके सामने पेश किया बुखारी शरीफ की शक्ल में, वो ये कि यही इन्नमल आमाल बिन्नियात, इंसान के इरादे के साथ जुड़े हुए हैं, नीयत के साथ, इरादे के साथ, पहले ये उसके बाद अमल, चलो हो गया ना उसे शुमा कर लो, नहीं। शायद नहीं, शक नहीं, यूं ही चीज हो गई बाद में उसको हिसाब में आप कर लेते हैं, नहीं, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको जो देना, जो चीज़ देना चाहते हैं, जिस शख्स को देना चाहते हैं, ये हमारा इख्तियार है। अब इसकी वजह साजिश ही दी है, इंसान जितना चाहता है वैसा भी मिल जाता है, उसकी चाहत से बढ़ के भी देते हैं, चाहता बहुत कुछ उतना नहीं, कम देते हैं, या जो मांगा तो वो नहीं, वह उससे मुतालिक चीज़ को मुतबादल कोई दूसरी चीज़ देते हैं, जो और देते हैं कम करते हैं, मांगते मिलता भी नहीं, मगर ये सारी की सारी चीज़ें किसी तलब को अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं करते, शक्ल उसकी अलग है। वह ये दुनिया जिसके ऊपर पड़ा हुआ है वो सिर्फ तुम्हारे लिए एहतियात बरतने के लिए
कौन किस कदर एहतियात इस मामलात में बरतता है या नहीं, बस इसी एक गरज के लिए उसको कहते हैं इब्तिला, इम्तिहान, आजमाइश ईमान की, कि बंदा अपने बंदेपन और अल्लाह ताला की उबूदियत के दरमियान में यानी इताअत और फरमाबरदारी के मामले में किस कदर अपने आप को साबित करके बताता है, ताकि उसके बाद हमेशा वाली ज़िंदगी का मकाम का तायुन उसके लिए किया जाने वाला है। अल्लाह ताला को तो मालूम है, उस बंदे को समझ में आ जाए और उन बंदों वो बंदों की भी नज़रें उस पर पड़ जाएँ जिनमें ये उठता है बैठता है, उठा है बैठा है, रहा है जिया है और मरा है। सुम जालना लहू जहन्नम, चूँकि एक तरफ दुनियादारी से इरादे शाहवत मकसद मतलब गरज दुनियादारी ही है, लेते जाओ होगा क्या उसके बाद, क्योंकि ये नीयत इधर की नहीं रही, आखिरत की नहीं रही, हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ जिसकी वजाहत कर दी गई उसकी तरफ नहीं रही। पहुंचना अल्लाह ताला के पास है तो उसको जहन्नुम उसके लिए हमने तैयार कर रखा है, बना दिए हैं, उसमें दाखिल होगा कैसे, मजम्मत के साथ, क्योंकि लफ्ज़ अरबी का उर्दू में इस्तेमाल होता है मजम्मत, इसलिए तर्जुमा मैंने इसी कर दिया आसानी के लिए, मजम्मत के साथ। तर्जुमा आपको मिलेगा जिल्लत और रुसवाई के साथ, अज़ाब की किस्म है, एजाज के साथ ले जाया नहीं जाएगा, उसकी शक्लें कुरान में जिक्र कर दी गई, पेशानी के बल पर खींचते हुए सारे हश्र के मैदान में सबके सामने भी फिर वो जिस माशरे में उठता था बैठता था उसके दोस्तों के सामने, उसके अजीज अकारीब के सामने, उसके बच्चों के सामने, ये जिल्लत आग वगैरह के अजाब से भी बड़ी शदीद होती है। तो उसको इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मधुरा धुतकारते हुए ये एजाज के साथ में, ये एक पहलू। दूसरा पहलू फौरन उसके बाद जो चीज़ बता दी गई उसको समझ लिया तो हर काम यानी आपका खाना पीना उठना बैठना कारोबार करना भाग दौड़ करना सब आपके लिए करे, दुनिया आपके लिए बनाए, ये सारे शगल मसरूफियत आपके लिए चाहिए, वो इरादे नियत इसी में खो गया था वो, और तुम भी इसमें खो रहे हो, लेकिन इसके हर चीज़ में उसकी मर्ज़ी को सामने रखते हुए, उसके हुक्म को सामने रखते हुए, उसकी हिदायत और फरमाबरदार को इख्तियार करते हुए ज़िंदगी उसने भी वही गुजारी, वही खाया वही पिया, आप भी वही खा रहे वही पी रहे, सिर्फ फ़र्क नीयत का, इरादे का, खौफ खुदाबंदी का, जायज़ और नाजायज़ के फ़र्क करने का, दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को समझ कर, आखिरत की ज़िंदगी की हकीकत को समझ कर, ये ज़िंदगी को इस तरह ढालना के ताकि उस ज़िंदगी के साथ राबिता बन जाए। वहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ यहाँ कर रहे वही है, फिर अल्लाह का फजल है, जितना कर रहे उतना ही है फजल के साथ देंगे। ये जो करता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी दिल वाली आँख खोल दी जाती है उसको दिखाई भी देता है, यानी एहसास दिल की आँख से, इन आँखों से नहीं। तो उस पहलू उसकी हकीकत अगली आयत में तस्कर आएगा, फिर अंजाम सुभानकल्लाह।